ये जो गाड़ी है भतीजे के अंडर है, हसीब कुरैशी के अंडर। तो इससे हम पूछेंगे क्या क्या मामला थे इस गाड़ी के। तो बताओ हसीब, ये कौन सा मॉडल है गाड़ी का? ये 2003 मॉडल है, RZ RZ टाटा है, जी, जी वेरिएंट है, RZ जी फुल ऑप्शन फुल एडिशन, जी, मतलब फुल एडिशन लिमिटेड सर। ना, हाँ लिमिटेड नहीं, फुल एडिशन फुल एडिशन। जी। अच्छा, क्या क्या मतलब फंक्शंस है इसमें? सबसे पहले तो इसका इंजन है 3400 CC, और इसका कलर बहुत नायाब है, नायाब कलर है, डार्क ब्लू, नेवी ब्लू। नेवी ब्लू, सॉरी। और ये ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में है, 2003 के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट गाड़ी है, विद सनरूफ सनरूफ के साथ ये गाड़ी जी। है। अच्छा, इसका जो एक्स्ट्रा एक टायर होता है वो ये इसके डिग्गी में है पीछे पीछे है, दरवाजे में है। जी, तो कुछ गाड़ियों में अंडर भी आता है ना, जो गाड़ी वो के दो नीचे आता हजार है वो। हाँ वो कुछ वेरिएंट्स में आता है, कुछ में ये आता है 2500 पर, फिर टायर नीचे आते हैं। तो इसका मुझे दिखाए ना इंजन से कैसे अंदर वो दिखाए। ये रहा इसका इंजन, बीस्ट। 2400 CC। इसमें डबल बैटरी की भी ऑप्शन है, मतलब मर्जी है लगाओ या नहीं लगाओ, मतलब एक बैटरी से चलती, क्योंकि ये पेट्रोल में है। ठीक है, गाड़ी ज़बरदस्त है। अच्छा, इस वक्त क्या काम चल रहा है इसका? इसके हम वैक्सिंग कर रहे हैं आज, कलर थोड़ा सा डल हुआ था अच्छा, वैक्स हो रहा है। तो अच्छा, ये कस्टम है या नॉन कस्टम है? ये नॉन कस्टम पेड है। अच्छा, नॉन कस्टम पेड है। तो इस वक्त इसकी प्राइस क्या होगी? इसकी प्राइस है अराउंड 25 लाख। 25 लाख इसकी प्राइस होगी। और कस्टम में होती तो कम होती तो एकदम 50 क्रॉस 50 लाख क्रॉस। जी। अच्छा, तो गाड़ी की कंफर्टेबल कैसी है, कंफर्ट है कि नहीं गाड़ी? कंफर्ट बहुत आला दर्जे का है इसका अच्छा, जी। काम काज वगैरह मतलब रफ चलाते हो या ऐसे, मतलब काम काज तो नहीं निकलती गाड़ी? नहीं, काम काज कुछ नहीं है इसके, कुछ बुशिश भी आगे से गए हुए हैं, वो चेंज नहीं करवाया मैंने, अच्छा, दो वो तीन कोई चार आवाज़ बुशक। नहीं कर रही अभी तक, अच्छा, फिर भी पता नहीं चलता, मतलब इसका कोई काम पता है नहीं नहीं। चलता है, सही है, मतलब गाड़ी आरामदेह बहुत आराम है। है। तो इसके एक अंदर से भी हम देखते हैं कैसी है लगती है गाड़ी। अच्छा, यहाँ पे भी देखिए आप लोग को डोर लाइट मिलेगी। अच्छा, सही, ओपन था। तो ये इंटीरियर है गाड़ी का, आप लोग देख सकते हैं। साउंड चेक करें आप लोग गाड़ी का। अच्छा, ये एक्सटीरियर मतलब बैक सीट है, ठीक है, प्लास्टिक लगे हुए हैं, गाड़ी की कंडीशन बहुत साफ है। तो पीछे के दरवाजे हम देखते हैं कैसा लुक आता है पीछे से, मतलब टायर शायर के साथ। तो पीछे से इसका ये है। अच्छा, ये जो लाइट्स है ये डिज़ाइन है या ये चलती है? इसमें आप बल्ब लगा सकते हैं, ऑप्शन है। अच्छा, तो पीछे भी बहुत सारी जगह दी हुई है, जी मतलब कोई जी सामान वगैरह रखने के लिए सही जगह है। इधर भी लाइटिंग है, सही है, गाड़ी ज़बरदस्त है। और इसका ओरिजिनल अंदर जो किट आती है वो भी पड़ी हुई है। ये देखिए,
और जो जेन्युइन सामान होता है मतलब वो अपने जगह पे फिक्स हो गए हैं, मतलब इसके साथ किसी ने छेड़खानी भी नहीं किया है। कंपनी की हालत में ये गाड़ी है, तो ऐसी गाड़ियाँ कमतर मिलती हैं। ये जो एक छोटा सा जगह है, ये जग रखने के लिए जगह है। अच्छा, एक्सेसरी सारे आपके पास? जी, अच्छा, टायर सारे नए डाले हैं। जी, नहीं, क्या है रिम साइज? रिम साइज है इनका, डर गया यार, रिम साइज 16 1265 70 17 17 इंच का इसका रिम लगता है। मतलब 16 लगाना चाहे तो 16 भी लग सकता है, इसमें जी, मर्जी है। सोलह तो इस गाड़ी की माइलेज क्या है? माइलेज बस है इसकी के अंदर अराउंड 9 10 अगर प्यार से चलाया तो। पर किलोमीटर? जी अच्छा, चले आप लोग अपना वो वैक्सिंग वाला प्रोसेस जारी रखें। हाँ जी अहमद, और क्या हो रहा है? ट्यूशन वगैरह ठीक जा रहे हैं। सही चल चल रहा है ना? मैंने तो इस कार को बस थोड़ा सा मतलब यहाँ गिलगित का मौसम है ना, बहुत ठंडा मौसम है, इस वजह से मैं स्टॉप करके रुक बैठा हुआ हूँ कि मौसम थोड़ा नॉर्मल होगा तो मैंने इस कार को इंशाल्लाह एक बार फुल रिस्टोर करना है। इसको कलर इसका पूरा वापस उतार के अच्छे से वापस कलर करवाना है इस कार की मैंने, तब फिर इंशाल्लाह मैं इसका एक अच्छा व्लॉग बनाऊंगा। ये 96 मॉडल क्रोन।